कि ये तो कहने में बहुत वस्ताद है, बातचीत करने में एकदम वस्ताद है। उनको तो हम मानेंगे, एक नंबर आदमी है वो। इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले यदि कोई होंगे तो विद्यमान सरकार है, नरेंद्र मोदी सरकार है। ऐसे ऐसे सर्कुलर बनाए इन लोगों ने जिनका इनको अकली नाम की चीज नहीं। गरीबों के लिए संडास बना के दे रही, खाने को व्यवस्था नहीं, संडास करते जाओ। अरे खाने को पेट को दो ना भैया, पेट को नहीं है और संडास बनाने की बात करते हो। मेरे से बड़ा कोई नहीं हो सकता, मैं अकेला देश पर भारी। अरे काय का भारी यार, अभी 2024 में तेरे को भी बता देंगे। ये बोलते हम विश्व गुरु बनने गए, बनने जा रहे। अरे विश्व गुरु काय के बनने जा रहे? तो ये चोरों की सरकार कितने दिन तक रखना चाहिए? 10 साल हो गए, बहुत। चले जाओ भैया अपने गांव, अभी बहुत हो गया, सब लोग समझ चुके हैं। हम आपको गाली भी देंगे तो भी आप मानने वाले नहीं है। तो हम आपको उंगली के भरोसे अभी बता देंगे कि 2024 का इलेक्शन आप कैसे जीतते हैं, हम भी देखेंगे। नमस्कार, मैं नूरजहां और आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पे। यहां पे ईपीएस 95 को लेके एक बार फिर से बड़ा आंदोलन शुरू हो गया है। इससे पहले रामलीला मैदान में भी एक आंदोलन हुआ था, आज फिर से दिल्ली के जंतर मंतर पर यहां पे लोग एकत्रित हुए हैं। हम इन्हीं से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है एक शख्स। सर अपन क्या नाम है? मेरा नाम है पीएन पांडे, मैं ईपीएस 95 कोऑर्डिनेशन कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट। और मैं आपके माध्यम से, क्योंकि आपके चैनल का ही नाम जनहित है, तो जनहित में आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी पूरे देश के जितने भी पेंशनर हैं वो एक जगह आने वाले हैं। ये ईपीएस 95 के पेंशनर है 75 लाख और हमारे मेंबर्स है 28 करोड़। ये तो ईपीएस 95 के, अभी एनपीएस वाले हैं, ये सारे जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, 2005 के बाद में इनको पेंशन ही नहीं। तो ये सब के साथ में इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले यदि कोई होंगे तो विद्यमान सरकार है, नरेंद्र मोदी सरकार है। क्योंकि ये तो कहने में बहुत वस्ताद है, बातचीत करने में एकदम वस्ताद है। उनको तो हम मानेंगे, एक नंबर आदमी है वो, कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास। किसके लिए भाई? आप ही के लिए के सिर्फ? अरे भाई हमारे तरफ तो देखो, जब आप बोल रहे हैं कि हम सबका भला कर देंगे तो फिर इन 75 लाख लोगों को कम से कम 1000 रुपये पेंशन आपने डिक्लेयर कर दिया। 1000 पेंशन का मतलब होता है 33 रुपये पर डे, और 33 रुपये का मतलब होता है कि उसमें मियाँ भी जिएगा और बीबी भी जिएंगी। तो 1000 प्रतिमाह आपको दिया जाता है? 1000 रुपये प्रतिमाह इन्होंने सर्कुलर निकाला कि 1000 रुपये प्रतिमा, और उससे भी 1000 रुपये से कम पेंशन लेने वाले इनके सर्कुलर निकालने के बाद में ऐसे 25 से 30 लाख लोग गए। मैडम इनको समझता नहीं, 1000 रुपये में 33 रुपये पर डे होता है, उसमें 16.5 रुपये भी मियाँ को और 16.5 रुपये बीबी को मिलते, तो 16.5 रुपये में जीके बताओ। अरे हमारी डिमांड क्या है? हमारी कोश्यारी कमेटी के हिसाब से डिमांड थी 2013 में 3000 रुपये इन्होंने बोला था कि हम देंगे करके, और आज 2023 हो गया, तो हमारी डिमांड है कम से कम 9000 रुपये पेंशन और उसके ऊपर महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। लेकिन ये दे नहीं सकते क्योंकि इनको हमारे को देने के लिए पैसा नहीं है इनके पास में। 10,65,000 करोड़ उद्योगपतियों का इन्होंने माफ किया। अरे उनको ऐसा कौन सा उद्योगपति है जो रास्ते पे आके भीख मांग रहा? हमारे आदमी तो जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे वो ब्लैंकेट सर पे लेते हैं और भीख मांगते हैं रास्ते से, क्योंकि उनको शर्म आती है कि एक समय मुझे भी 40-50-60 हज़ार रुपये पगार था, आज मैं भीख मांगने के लिए दर दर भटक रहा हूँ, तो शर्म आती है। लेकिन इन लोगों को, उद्योगपतियों को देने के लिए पैसे, गरीबों को देने के लिए इनके पास में कुछ भी पैसे नहीं। ये बोलते हम विश्वगुरु बनने गए, बनने जा रहे। अरे विश्वगुरु काय के बनने जा रहे? आज भी आप 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल देते हो तो 80 करोड़ काय के? ये तो साले भिखार चोट है। 80 करोड़ फ्री में राशन दे रहे हैं वो लोगों को। अरे तो वही तो मैं बोल रहा, फ्री में राशन क्यों? यदि मैं समृद्ध हूँ, तुम यदि मेरे को 9000 रुपये और महंगाई भत्ता देते हो तो मैं काय को कंट्रोल के दुकान में जाऊँगा वो सड़ा हुआ गेहूँ और सड़े हुए चावल खाने के लिए? मैं काय को जाऊँ? ये तो मजबूरी है, वो जानवर नहीं खाते ऐसा अनाज वो राशन की दुकान में देते हैं। तो इन लोगों को मेरा कहना ये कि भाइयों अभी तुम्हारी बहुत हो गई है, अभी ये सारी जनता समझ चुकी है, ईपीएस के 28 करोड़ लोग भी समझ चुके हैं कि जिनका पीएफ कटता है वो सारे हमारे सदस्य हैं, सबको पेंशन मिलने वाली है। और ये पेंशन ज़्यादा से ज़्यादा आज के कायदे के हिसाब से, अभी यदि कोई कल रिटायर्ड होता है तो उसको 4-4 हज़ार मिलेंगी, मुझे तो 750 मिलती है। 750 पेंशन इसलिए मिलती है कि मैं 2003 में रिटायर्ड हो गया हूँ, और वो 750 एक 20
अगस्त 2014 को एक सर्कुलर इन्होंने निकाला कि कम से कम 1000 रुपये देंगे, मुझे 750 मिलती है। मैंने उसको पूछा कमिश्नर को, तो वो बोले आपकी रिड्यूस पेंशन है। अरे बोला रिड्यूस पेंशन है तो क्या मेरा पेट भी रिड्यूस करेगा? जब प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि 1000 रुपये दूंगा तो आप कौन होते हो 750 रुपये देने वाले मेरे को? तो बोले आप 50 साल में रिटायर हो गए। अरे गवर्नमेंट ने मिल बंद कर दी करके मैं 50 साल में रिटायर हो गया, नहीं तो मुझे क्या शौक था, मैं नौकरी छोड़ने वाला था क्या? तो ये 750 रुपये मुझे मिलती है। सर्कुलर ऐसा निकला है कि यदि कोई रिटायर्ड होता है तो उसको हम कम से कम 1000 रुपये देंगे। अब देखो हर विधवा को 1000 रुपये देंगे, ये उन्होंने 2014 को सर्कुलर निकाला। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, मैं जिंदा हूँ तो 750 रुपये, यदि मैं मर जाऊँ तो मेरी बीबी को 1000 रुपये। मैं जिंदा हूँ, मेरे घर में 4 आदमी हैं, एक मेरी बीबी, 2 मेरे छोटे बच्चे 25 साल के अंदर और एक मैं हूँ, तो मुझे 750 और मेरी बीवी को यदि मैं मर जाऊँ तो 1000 और दोनों बच्चे को 250 रुपये, यानी मेरे घर में 1500 जाएंगे। कब? जब मैं मर जाऊँगा तब। जिंदा हूँ तो बोले 750। मैंने वो कमिश्नर को बोला यार, वो चुनकर आए, उनको तो कुछ दिमाग नहीं था कि भाई ऐसा सर्कुलर निकालोगे तो घर घर में मियाँ बीवी के झगड़े लगेंगे। आपके जैसी कोई ये समझदार महिला होंगी तो बोलेंगी यार आप मर जाओ तो कम से कम हमारी पेंशन तो बढ़ जाएंगी। ऐसे ऐसे सर्कुलर बनाए इन लोगों ने, जिनका इनको अकल ही नाम की चीज़ नहीं। और अभी बोलते हम आपको देंगे नहीं, अभी इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर स्टैंडिंग कमेटी के अंदर हमारे लोगों को बुलाया, उनको पूछा हम पैसे कहाँ से लाएंगे? अरे भाई पैसे कहाँ से लाएंगे, जितने भी उद्योगपतियों के पास में, ये क्या करते मैडम उद्योगपति, एक फेक कंपनी निकाल देते, ये कंपनी से कर्जा लेते, बैंक वाले को पटाते, वहाँ से पैसा लेते। अरे बैंकों में तो हमारा पैसा है, उद्योगपतियों ने 5 पैसे भी, तो भी सेविंग अकाउंट में है क्या? उसके पैसे नहीं, वो लोन लेने का ही काम करता है। पैसा आपका है, पैसा इनका है, पैसा इन सब लोगों का है, वो पैसा भी ये रफा दफा कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि EPS 95 वाले पेंशनर आज यहाँ पे जंतर मंतर पे इसलिए आए थे कि 2024 का इलेक्शन आपका है, यदि उसकी आचार संहिता, आप गरीबों की बात कर रहे हैं, गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं सरकार, नहीं, लेकिन नहीं, सरकार नहीं, वही कह रही है कि कर रही ना, क्या कर रही है? गरीबों के लिए संडास बना के दे रही, खाने को व्यवस्था नहीं, संडास करते जाओ, क्या नहीं कर रहे गरीबों के लिए? संडास बना के दे रहे, हमारे पैसे से स्वस्थ घर बना के दे रहे। अरे खाने को पेट को दो ना भैया, पेट को नहीं है और संडास बनाने की बात करते हो, टॉयलेट बनाने की बात करते हैं कि गरीबी सबसे बड़ी जाति है उनके लिए। मोदी जी का एक ट्वीट आया था, उसमें उन्होंने यही कहा था। अरे अभी इसलिए है क्योंकि बाकी लोगों ने ये OBC वगैरह ले लिया ना अपने कब्जे में, OBC वगैरह अपने कब्जे में ले लिया, तो अभी उन्होंने क्या किया, OBC का शिवराज सिंह चौहान को बदलकर OPC का मोहन यादव बना दिया। एक बात, शिवराज सिंह क्योंकि 23 साल हो जाते थे यदि वो सत्ता में रहते थे, तो 23 साल रहा हुआ मुख्यमंत्री बोलते थे उसको, तो उसका नाम तो ज़्यादा बढ़ जाता था। नहीं बढ़ना चाहिए किसी का नाम, क्यों? मेरे से बड़ा कोई नहीं हो सकता, मैं अकेला देश पर भारी। अरे काय का भारी यार, अभी 2024 में तेरे को भी बता देंगे। ये सब लोग इस तैयारी में है कि कब कब आप यहाँ पर आओगे और कब आपको नीचे उतारा जाएगा, ये सब देख रहे। इसीलिए हम भी उनके साथ में अभी शामिल हो गए, क्योंकि इनको तो 10 साल से हम मस्का मार रहे, हमारी पेंशन बढ़ा दो, 5 पैसे बढ़ाने का नाम नहीं। अभी इन्होंने एक भी पैसा बढ़ाया नहीं, इनको आचार संहिता तक। हमारा चैलेंज है कि जो भी बढ़ाना है आचार संहिता लगने के पहले EPS 95 के बारे में बोलो, नहीं तो आपका 2024 का इलेक्शन हम ले डूबे हैं। यदि आपको कर नहीं तो डर नहीं, तो बैलेट पेपर से वोट लो भैया। ये 28 करोड़ एक घर में 2 वोट भी रहे तो 28 दूनी 56 करोड़ हो जाएगा, 56 करोड़, और ये 75 लाख यानी 1 करोड़, 57 करोड़ वोटर जिसके पास में है वो किसी को क्यों भीख मांगेगा? पैसा मेरा है, पैसा मेरा है, उसके ऊपर यदि ब्याज भी देते तो भी मेरा पूरा पेंशन आ जाता। मैडम मैं बोलता हूँ, यदि आपका पेंशन, आप यदि 2014 को लगी होंगी ये पेंशन स्कीम में, नौकरी पे लगी होंगी, आपकी 15,000 से ऊपर सैलरी होंगी, आपका महीने का 1250 रुपये कटता होगा, ये यदि ये पेंशन फंड में जाता है 1250 रुपये, यदि ये किसी RD में डाल दो, प्रोविडेंट फंड में रखा दो, तो 33 साल के बाद में इसके 30,02,000 रुपये जमा होते हैं, 30,02,000 रुपये जमा होते हैं। और इतने पैसे हमारे जमा होने के बाद में ये हमको पेंशन देंगे 7,500, कब? 2047 को।
2047 को 7,500 पेंशन देंगे, यानी इसका मतलब हमारे 18,000 ये खाएंगे, बचे हुए पैसे हमारे जो 30,02,000 है ये भी मियाँ बीबी मरने के बाद में खा डालेंगे। तो ये चोरों की सरकार कितने दिन तक रखना चाहिए, 10 साल हो गए बहुत, चले जाओ भैया अपने गाँव, पूरी गुजरात ला भी यहाँ पर लेकर आए यार, क्या कर रहे हो, सारा का सारा बिजनेस तुम्हारा दिमागी बिजनेस माइंडेड है, आप लोग गुजरात के सारे लोग बिजनेस माइंडेड है, वहाँ कोई सैनिकों में नहीं गया भर्ती होने, उधर इधर ही चलाते हो अपना। तो ये मैं कहना चाहता हूँ इन लोगों को, अभी बहुत हो गया, सब लोग समझ चुके हैं, हम आपको गाली भी देंगे तो भी आप मानने वाले नहीं हैं, तो हम आपको उंगली के भरोसे अभी बता देंगे कि 2024 का इलेक्शन आप कैसे जीतते हैं, हम भी देखेंगे। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया, देखा आपने हमने इनसे बातचीत करी ईपीएस 95 को लेके, इनकी जो डिमांड है कि 1,000 रुपए प्रतिमा मिलता है, 900 रुपए का तो सिलेंडर ही आ जाता है, उसमें 100 रुपए बचते हैं, उसमें कह रहे हैं 1,000 रुपए प्रतिमा देते हैं महीने के ये लोग, तो कैसे खर्च चलेगा इनका, तो उसी को लेके इनकी डिमांड है, वरना ये कह रहे हैं 2024 में हम वोट की चोट से हम दिखा देंगे सरकार को। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, आगे की जानकारी के लिए बने रहें।